आज मैं जा रही हूँ, नेटफ्लिक्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो खाकी ऑफ द बिहार इस तरह का कोई वेब सीरीज है उसके लिए, और मैं आ गई हूँ होटल वगैरह। अभी कोई बहुत लोग अभी आर्टिस्ट आए नहीं हैं, तो हम लोग अभी चाय वगैरह ले रहे हैं। इसके बाद अभी इंतज़ार करना है, ये हमारा नेटफ्लिक्स के एंट्री कार्ड है मीडिया की, और जिसे एंट्री होती है ये पहले ही एंट्री कार्ड बनता है। तो अभी मैं लॉन में बैठी हूँ, होटल अभी आ गई हूँ, अब थोड़ा वेट कर रही हूँ, प्रोग्राम शुरू होने में अभी टाइम है, तो मैं लॉन में यहाँ बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, और एंट्री वगैरह हो गई है। मुझे ये नेटफ्लिक्स का पास मिला है मीडिया एंट्री की, और इसके बाद प्रोग्राम होने में अभी कुछ टाइम है। जब तक यहाँ मैं सोच रही थी कि आप लोगों को जानकारी दे दो, ये है बिहार चैप्टर, इसका इवेंट हो रहा है, नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम है। अंदर अभी प्रोग्राम होने में टाइम है, तब तक मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ चाय पी के। वाओ, ये तो वीडियो आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पीछे जो चेयर लगे हैं उसी पे सारे आर्टिस्ट आके बैठेंगे, और तो यहाँ अभी खाली है, अभी आए नहीं है, काफ़ी देर लगा दिया इन लोगों ने। 12 बजे से पहले 11:30 का टाइम था, अब 12:30 हो रहा है। तो मैं यहाँ बैठ के अपनी वीडियो कर रही हूँ, और साथ में आज मैं फेसबुक पे भी लाइव हुई और इंस्टाग्राम पे भी, तो टाइम पास के लिए अच्छा है। और अवघड के रूप में ही बहुत सारा रूप में हमारा के सब लोग देखने वाला है, ये रूप में भी बड़ा अच्छा लगी सब कि भैया इसमें भी है, हर सफर होने के बाद एक नया रूप देखिए, तो मेरे फैंस के लिए बहुत इंटरटेनिंग रहेगा और बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट पे बना है, रियल कहानी है, नीरज पांडे जी के बैनर से बना है, भाव नेटेड किया। नेटफ्लिक्स एक हिंदी हार्टलैंड में बहुत बड़ी एंट्री मारने जा रहा है, तो नेटफ्लिक्स को लोग पसंद कर रहे हैं, अब नेटफ्लिक्स का एडिक्शन लग जाएगा इस शो के बाद। और क्योंकि एक रियलिस्टिक कहते हैं ना कि गर्दा धूरिया उड़ान शो, तो ये DDS न्यूज़ के सभी दर्शक लोगों ने ये कहा कि भैया एक डायलॉग हमारे फेमस बायोग्राम है कि नया नया ड्राइवर है, बहुत हॉर्न बजाता है। अब मैं आ गई हूँ चाणक्यपुरी में, चाणक्यपुरी में है डेनमार्क एम्बेसी, तो यहाँ पे एक इवेंट है, तो यहाँ भी अभी मैं सबसे पहले पहुँच गई हूँ। तो अभी कोई आया नहीं, मैं जल्दी से सबसे पहले ही पहुँच गई हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, तो था लेकिन मैं गई नहीं। अभी ये मैं डेनमार्क एम्बेसी में हूँ, और भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और ये हमारे पीछे स्टेज लगा हुआ है जो कि अभी खाली पड़ा हुआ है, अभी कोई आया नहीं है, कुछ गेस्ट आए हुए पर रूम में बंद अभी हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर वैसे ही घूम लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो गई, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है। चलो, काफ़ी दिन बाद डेनमार्क एम्बेसी आई, मतलब पहली बार आई हूँ, और ज़्यादातर मुझे मेरा आना नहीं हो पाता, यहाँ पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई है, और अभी बहुत कुछ बहुत सुंदर एक वॉल है, और इस तरफ बहुत खूबसूरत सा इंडिया का झंडा है, जिसे मैं दिखा सकती हूँ आपको, खूबसूरत सा इंडिया दिखा सकती हूँ। हमारे पीछे ये बहुत खूबसूरत
प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है डेनमार्क एम्बेसी में, तो वेट कर रही हूँ मैं कैब की, तो थोड़ी देर बाद में स्नैक्स वगैरह भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, मैं चलती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए, मैं तो घर पे हूँ, लेकिन कोई घर पे है वो लगवा दें। ठीक है, सेकेंड फ्लोर।